क्या आप इस करवा चौथ पर अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखने जा रही हैं? एक ऐसा व्रत जो न केवल हमारी संस्कृति से जुड़ा है बल्कि हमारी आस्था और प्रेम का प्रतीक भी है। लेकिन क्या आप जानती हैं इस पवित्र व्रत की संपूर्ण पूजा विधि में एक भी गलती आपकी साधना को अधूरी कर सकती है और जो फल आप चाहती हैं वो आपको नहीं प्राप्त करा सकती हैं। नमस्कार, यूपी नाउ में आपका हार्दिक स्वागत है। अरुण का अभिवादन स्वीकार करें। वीडियो को अंत तक देखें, आपको अपने बहुत से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं एक नई सनातनी यात्रा को, जिसमें हम आपको करवा चौथ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि का गहन और सटीक विवरण देंगे, जिससे आप बिना किसी गलती के इस महत्वपूर्ण व्रत को पूरी श्रद्धा से पालन कर सकेंगी। कथा को शुरू करने से पूर्व, क्या आप जानती हैं करवा चौथ के व्रत के पीछे का सबसे महत्वपूर्ण नियम कौन सा है? चलिए इस रहस्य को आगे बढ़ते हुए वीडियो में आपको समझाएंगे। करवा चौथ की पूजा विधि का आरंभ होता है सूर्योदय से पहले सरगी खाने से। यह सरगी जो आपको आपकी सास द्वारा दी जाती है, आपकी इनलाज द्वारा दी जाती है, न केवल आपके लिए दिन भर उपवास रखने का माध्यम है बल्कि यह परिवार के संबंधों की मिठास और शुभकामनाओं का प्रतीक भी है। इस समय कुछ खास चीजें जरूर खाएं, जैसे मेवे, फल और पानी। अब शुरू होता है व्रत। याद रखें, यह व्रत निर्जल होता है, यानी आपको पूरे दिन बिना पानी के रहना है। पूरे दिन आपको अपने मन और शरीर को संयमित रखना है। यह एक परीक्षा की तरह है, जिसमें आपकी आस्था और विश्वास की परीक्षा होती है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि करवा चौथ व्रत केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। देश के कई स्थानों पर पुरुष भी अपनी पत्नी के साथ इस व्रत को रखते हैं। क्या आपके परिवार में भी ऐसा होता है? अगर होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस शहर में रहती हैं जहां आपके पति भी आपके साथ व्रत रहते हैं। तो अब बारी आती है शाम की पूजा की। जैसे जैसे सूर्य ढलता है, व्रती महिलाएं सज धज कर तैयार होती हैं, 16 श्रृंगार से अपने आप को सुंदर और शुद्ध बनाती हैं, जो देवी की कृपा पाने का माध्यम होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि 16 श्रृंगार के बिना करवा चौथ पूजा अधूरी क्यों मानी जाती है? इसका जवाब हम आपको आगे बताएंगे। शाम की पूजा में करवा, दीपक, चावल, पानी का लोटा और भगवान शिव पार्वती की मूर्ति की पूजा की जाती है। पहले करवा में जल भरकर देवी को अर्पण किया जाता है और शिव पार्वती से पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना की जाती है। साथ ही करवा चौथ की व्रत कथा भी सुनी जाती है, जो इस व्रत की महिमा को बढ़ा देती है। और अब आता है वह क्षण जिसका पूरे दिन इंतजार किया जाता है, चंद्रमा का उदय। चंद्रमा को देखने के बाद छलनी से अपने पति का चेहरा देखकर, उनके हाथों से पानी पीकर आप इस पवित्र व्रत को पूर्ण करती हैं। यह क्षण उस प्रेम और त्याग का प्रतीक है जो इस पर्व को इतना खास बनाता है। लेकिन जरा रुकिए, क्या आप जानती हैं कि ये जो चंद्र दर्शन आप शाम को करेंगी, उस समय एक गलती भी आपके व्रत को निष्फल कर सकती है? इसका उत्तर भी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। जब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, तब ध्यान रखें आपकी पूजा में कोई व्यवधान ना हो। यह समय बेहद पवित्र होता है और यही वह क्षण होता है जब आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। करवा चौथ का यह पर्व न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है बल्कि यह हमें धैर्य, त्याग और समर्पण की सच्ची भावना सिखाता है। इस पूजा विधि के साथ
आप अपने व्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकती हैं और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि और सौभाग्य की कामना भगवान से कर सकती हैं। इस मौके पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि करवा चौथ के अगले दिन कौन से खास नियमों का पालन करना चाहिए, इसे भी हम वीडियो में आगे बताएंगे। हमें मालूम है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको संपूर्ण पूजा विधि का विवरण देने के लिए वीडियो को लंबा होना जरूरी है। आइए अब जानते हैं जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था उसका उत्तर। चंद्र दर्शन के समय की गई एक गलती आपके व्रत को निष्फल कर सकती है। आइए जानते हैं उन गलतियों को। चंद्रमा को अर्घ देने से पहले कुछ गलतियां अगर की जाएं, तो माना जाता है व्रत निष्फल हो सकता है। इन गलतियों में प्रमुख रूप से निम्नलिखित बातें शामिल हैं। चंद्र दर्शन से पहले भोजन या पानी का सेवन। यदि आप चंद्रमा को अर्घ देने से पहले पानी पी लें या भोजन कर लें, तो यह व्रत की शुद्धता को भंग कर सकता है और इससे व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत के सफल पूर्ण होने के लिए जरूरी है कि आप चंद्र दर्शन के बाद ही अन्न या जल ग्रहण करें। हालांकि आपात स्थिति में इस नियम का अपवाद संभव है। चंद्रमा का दर्शन छलनी से करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर आप चंद्रमा को बिना छलनी के देखती हैं, तो इसे परंपरा का उल्लंघन माना जाता है और यह व्रत के फल को प्रभावित कर सकता है। पूरी श्रद्धा से पूजा न करना अथवा समाज को दिखाने के लिए इस व्रत को करना। यदि पूजा के दौरान ध्यान भंग हो या मन में संदेह या अधूरी श्रद्धा हो, तो इस व्रत की सफलता के लिए बाधा माना जाता है। अगर आपका आपके पति के साथ मेल ना बैठ रहा हो, तो इस व्रत को समाज को दिखाने के लिए मत करें। श्रद्धा और विश्वास से की गई पूजा ही व्रत को सफल बनाती है, इस बात का ध्यान हमेशा रखें। इन्हीं कारणों से करवा चौथ व्रत के हर नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण होता है, ताकि व्रत का पूरा फल आपको मिल सके। और अब जानते हैं उस प्रश्न का उत्तर जो हमने आपसे वीडियो के बीच में पूछा था कि करवा चौथ के अगले दिन कौन से खास नियमों का पालन करना चाहिए। करवा चौथ के अगले दिन कुछ खास नियमों और परंपराओं का पालन करना जरूरी होता है, ताकि व्रत की पवित्रता और सफलता बनी रहे। इन नियमों का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है और यह पूरे व्रत को संपन्न करने के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए जानते हैं इन खास नियमों के बारे में। व्रत का पारण। करवा चौथ के अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण होता है। इस समय व्रती महिलाएं सादा और सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। पारण के लिए हल्का और शुद्ध भोजन जैसे खिचड़ी, दही या फल का सेवन करना उचित माना जाता है। इससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और व्रत समाप्त होता है। भगवान का आशीर्वाद लेना। व्रत के अगले दिन महिलाएं अपने घर के मंदिर में भगवान शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि व्रत समाप्त होने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेने से संपूर्ण व्रत का फल मिलता है और परिवार के सुख समृद्धि की कामना पूरी होती है। सास को उपहार देना। करवा चौथ के अगले दिन सास को खास उपहार, सुहाग की चीजें, साड़ी, मिठाई देना एक पुरानी परंपरा है। इसे बया देना भी कहा जाता है। यह बहू द्वारा अपने सास के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक तरीका होता है, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ती है। 16 श्रृंगार से सुहागिनों का सम्मान। अगले दिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी जैसी सुहाग की चीजें भेंट करती हैं और एक दूसरे के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। यह एक सामाजिक परंपरा है और जो सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। निर्जल व्रत न रखने का नियम। करवा चौथ के अगले दिन महिलाएं फिर से सामान्य दिनचर्या में लौटती हैं। अब वह निर्जल व्रत न रखें और शरीर को आराम दें। व्रत के बाद शरीर को पुनः सामान्य स्थिति में लाने के लिए पर्याप्त जल और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। शुभ कर्म करना। करवा चौथ के व्रत के बाद
अगले दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या वस्त्र दान करना शुभ माना जाता है। यह दान पुण्य आपके व्रत के साथ ही संचित पुण्य का फल दिलाता है। सात्विक जीवन का पालन। करवा चौथ के व्रत के अगले दिन भी महिलाओं का संयमित जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार के विवाद, क्रोध या नकारात्मक भावनाओं से बचने की सलाह दी जाती है ताकि व्रत का फल सफलतापूर्ण प्राप्त हो सके। धन धान की पूजा। करवा चौथ के अगले दिन कई परिवारों में धन और धान की पूजा की जाती है जिससे घर में समृद्धि और सुख शांति बनी रहे। इन नियमों का पालन करने से न केवल करवा चौथ व्रत का पूरा फल मिलता है बल्कि इससे घर परिवार में सुख शांति और सौभाग्य भी बना रहता है। अगर इस वीडियो से आपको मदद मिली है, आपको उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए हैं जो आपके मन में हमेशा से रहे हैं, तो इस वीडियो को अपना लाइक दें और अपने जानने वालों के बीच शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको हिंदू पर्व और संस्कारों से जुड़ी हर जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में जो है 16 श्रृंगार के बारे में। अरुण का सादर अभिवादन स्वीकार करें।